थैंक यू साहब, थैंक यू शनाया बेटा, आज आप लोगों की बदौलत हम गरीब दिवाली मना पाएंगे। दिवाली पे तुम यही पहनना। हाँ जी। ला पैसे दे मुझे। नहीं, आप ये सारे पैसे शराब में लगा दोगे। माँ, अब हम दिवाली कैसे मनाएंगे? पता नहीं बेटा। तो क्या हम ये ड्रेस बेच दे? थैंक यू साहब, थैंक यू शनाया बेटा, आज आप लोगों की बदौलत हम गरीब दिवाली मना पाएंगे। अरे बाबा, मुझे तो बहुत खुशी है कि हमने इन महंगी महंगी चीजों पे पैसे वेस्ट नहीं करे, वरना हम ऐसी दिवाली कैसे मना पाते। हाँ जी पापा, आप सही कह रहे हो। जितनी खुशी हमें अभी हो रही है, उतनी खुशी तो महंगी चीजें लेके भी नहीं होती। चलो आरती बेटा, हम चलते हैं। हाँ जी मम्मा। कितनी सुंदर ड्रेस है ना? हाँ बेटा, दिवाली पे तुम यही पहनना। हाँ जी। पापा, हमें और कोई चीजें नहीं चाहिए, हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें खरीद ली हैं, है ना सियान? हाँ जी, और मुझे भी और कोई टॉयज नहीं चाहिए। Later. अरे आप कब आए? अभी आया बेटा। अरे ये क्या है, इतना सुंदर सुंदर दिखा। पापा, ये शनाया दीदी ने दी है और ये दिवाली गिफ्ट है मेरा। अरे वाह। पैसे? मैं कह रहा था जब मुझे पैसों की जरूरत है तो तू कह रही थी तेरे साहब तेरे को पैसे नहीं दे रहे। अब माँ बेटी ने डाका डाला है क्या कहीं पे? अरे नहीं, पहले साहब मना कर रहे थे, अब मान गए। पैसे दे मुझे। आपके मुंह से बदबू आ रही है। अब पैसे दे मुझे। ये पैसे मेरे 2 महीने की एडवांस है, मैं इसे दिवाली का सामान खरीदूंगी, बच्चों के लिए कपड़े, अनीता के लिए भी। अनीता, पविता, सबकी चिंता है तेरे को, और मेरा क्या, अपने पति का ध्यान नहीं है तेरे को। मैं ऑटो लूंगा, नया काम शुरू करूंगा, और मुझे खाने के भी पैसे चाहिए। ला पैसे दे मुझे। नहीं, आप ये सारे पैसे शराब में लगा दोगे। शराब में उड़ाऊं या कहीं भी उड़ाऊं, तुझे क्या, ला पैसे दे मुझे। अरे ला पैसे दे इधर। नहीं। मम्मा, अब क्या होगा, पापा तो सारे पैसे छीन के ले गए। पता नहीं बेटा, लगता है हमारी किस्मत में खुशियां है ही नहीं। तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। नहीं मम्मा, मेरे को अभी भूख नहीं है। The next morning. आरती, उठो बेटा, काम पे जाना है। माँ, अब हम दिवाली कैसे मनाएंगे? पता नहीं बेटा। माँ, अब आप सांप से बात करके देखूँ ना। पर बेटा, सांप क्या बोलेंगे, उन्होंने इतना भरोसा करके हमें इतने सारे पैसे दिए, पर हमारी दिवाली में तो खुशियाँ आ ही नहीं पाई। माँ, फिर उनको कह दें कि हमारे पैसे चोरी हो गए। पर ये तो झूठ होगा ना। तो क्या फिर उन्हें सच बता दे? पर वो यकीन नहीं करेंगे, और अगर यकीन कर भी लिया तो उन्हें लगेगा हम पैसे के लालची हैं। माँ, मैं एक बात बोलूं? हाँ बोलो ना बेटा। कल घर लौटते समय मुझे दिव्या मिली थी। दिव्या, वो तुम्हारी सहेली? हाँ वही। वो कह रही थी ये वाली ड्रेस को देखकर कि अगर तू ये मुझे अपनी ड्रेस दे देगी तो मैं तुझे 800 रुपए दूंगी। तो क्या हम ये ड्रेस बेच दे और उन पैसों से हम दी और मिठाई खरीद लेंगे।
माँ बोलो ना, मैं ये वाली ड्रेस बेच दूँ क्या? नहीं बेटा, ये सही नहीं होगा। शनाया ने इतने प्यार से तुम्हें भरोसा करके तुम्हें ड्रेस दी है, और दिवाली वाले दिन जब तुम ये ड्रेस नहीं पहन के जाओगी तो हम उसे क्या जवाब देंगे? मैं कुछ और सोचती हूँ। ठीक है माँ। चलो जल्दी चलो, अभी काम के लिए लेट हो रहा है। A few moments later. आज इतना टाइम हो गया, पूजा अभी तक आई नहीं। कहीं वो भाग तो नहीं गई पैसे लेकर? अरे नहीं, आप ही पता नहीं कैसी बातें करते हो। भागेगी क्यों? कुछ नहीं पता इन लोगों का। वो ही होगी, देखा मैंने पहले ही कहा था, आप ऐसे ही शक करते रहते हो सब पर। मैं देखता हूँ। नमस्ते साहब। अरे पूजा इतनी लेट कैसे हो गई आज? Later. जाऊंगा माँ। कुछ नहीं बेटा, जाओ तुम खेलो। Five minutes later. पूजा, मैंने तुमको एक बहुत जरूरी ऑफिस की फाइल दी थी संभालने के लिए, वो ले आओ जरा। जी। अरे क्या हुआ, मेरी फाइल लेकर आओ, मुझे मीटिंग के लिए जाना है। साहब वो फाइल मिल नहीं रही। मिल नहीं रही मतलब? तुम ही ने तो रखी थी, कहाँ रखी थी? माफ करना साहब, रखी मैंने थी, मगर मुझे याद नहीं आ रहा, मेरा आज दिमाग काम नहीं कर रहा। अरे अब क्या परेशानी है, रोज कोई ना कोई नया दुखड़ा लेकर आ जाती हो। पहले तुम्हें दिवाली की परेशानी थी कि दिवाली कैसे मनाऊं, तुम्हें 2 महीने का एडवांस दे दिया, अब तुम कोई नया स्टोरी लेकर आ रहे हो। तुम्हें दिक्कत है क्या आखिर? कुछ नहीं साहब। A few moments later. क्या हुआ आरती, तुम रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं दीदी, कुछ नहीं, सब ठीक है दीदी।